नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में फिर पलट चुकी है बाजी। कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के 162 विधायकों ने यहां पर शपथ ग्रहण लिया है, तो सीएम की मीटिंग में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम पवार। ये बड़ी खबर अब तक की महाराष्ट्र के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक से फिर बड़ा बदलाव यहाँ पर दिखा है, जहाँ दोस्तों मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर अजित पवार। तो देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग में नहीं पहुंचे अजित पवार। आप देख सकते किस प्रकार से खाली कुर्सी है, जो बगल में कुर्सी है वो डिप्टी सीएम के लिए कुर्सी है और डिप्टी सीएम की कुर्सी खाली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। क्या अजित पवार करवट लेंगे, तो क्या अमित शाह और फडणवीस का जो मिशन है वो फ्लॉप होने वाला है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक हर पल हर घंटे बदलाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी अपना फ्लोर टेस्ट में पास हो जाएगी, लेकिन कैसे पास होगी जब 162 विधायक कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना के पास है और शपथ ग्रहण समारोह पूर्ण हो चुका है। तो अजीत पवार के चक्कर में कहीं फेल ना हो जाए फडणवीस सरकार। शिवसेना कांग्रेस एनसीपी अपने 162 का आंकड़ा यहाँ पर दिखा रही है। ये अब तक की बड़ी खबर है। एनसीपी के 4 गायब विधायकों ने भी मुंबई में वापसी कर ली है। और यहाँ पर अगर बात करें तो बड़ी खबर है कि एनसीपी के 54 में से 1 या 2 विधायक को ही छोड़कर बाकी सभी जो विधायक वो शरद पवार के साथ है। ऐसे में बीजेपी का जो दावा है कि हमारे पास 170 विधायक है, तो फ्लोर टेस्ट में कैसे पास करेगी अपना दावा, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं गलती ना हो गई हो बीजेपी से। अगर महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो कहीं ना कहीं अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस का फैसला है। इसमें मोदी और अमित शाह की रजामंदी नजर नहीं आ रही है। ये सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, क्योंकि अगर मोदी और यहाँ पर अमित शाह चाहते तो महाराष्ट्र में कब की सरकार बन जाती है, बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का फैसला और कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पर फ्लोर टेस्ट में पास नहीं करती है तो ये बहुत बड़ा झटका होगा आने वाले चुनावों में बीजेपी के लिए, और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा अब मोदी सरकार को भी उठाना पड़ सकता है। आंकड़े आपको दिखाएं तो बीजेपी के अपने 105 हैं, लेकिन कल जो बीजेपी ने दावा किया था कि उनके पास 170 हैं, तो अगर बीजेपी के आपको 170 का जो आंकड़ा बीजेपी ने दिखाया, जिसमें 54 विधायक सीधे सीधे एनसीपी के हैं, जो यहां पर 54 विधायक एनसीपी के और यहां पर 11 निर्दलीय और 105 अपने, तो ऐसे 170 का आंकड़ा होता है। लेकिन फिलहाल ये आंकड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आंकड़ा अगर आपको यहां पर दिखाए तो 162 का आंकड़ा यहां पर शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी ने रख दिया है। ये इस वक्त की महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी खबर है। तो क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी अपनी सरकार बचा पाएगी या बीजेपी सरकार गिरने वाली है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि अब अजित पवार जो सीएम की मीटिंग हुई है उसमें नहीं पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह की रजामंदी देवेंद्र फडणवीस के साथ नजर आ नहीं रही है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। क्या यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी का जो गठबंधन है वो ही सरकार बनाएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ बहुत जल्द आपके साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।